हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज हम EL 208 के चैप्टर 1 के टॉपिक 1.1.4 जो कि क्रिस्टल माइक्रोफोन है के बारे में चर्चा करेंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो क्रिस्टल माइक्रोफोन सबसे पहले जो काम करता है वो है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो सबसे पहले 1880 में पेरे एंड जेकस क्यूरी द्वारा खोजा गया था। उन्होंने पाया था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट करते हैं जब उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस या स्ट्रेन अप्लाई होता है। जब पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पे मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होती है और वो इस तरीके से होती है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या इलेक्ट्रिक वोल्टेज या EMF जनरेट होता है। ये पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नेचुरली ये जनरेट करते हैं, उनमें क्वार्ट्स और रोशेल सॉल्ट जो है उसके उदाहरण है। अगर हम यहाँ देखें तो ये दो एक मटेरियल है, यहाँ जो मटेरियल लिया हुआ है वो PZT मटेरियल लिया हुआ है। तो इस PZT मटेरियल पे जब हम यहाँ से कंप्रेस कर रहे हैं इसको, ये इधर से और इधर से दोनों तरफ से, तो कंप्रेस होने के बाद चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरीके से हो रहा है कि एक जो साइड है इस PZT जो मटेरियल है उसकी एक साइड पे पॉजिटिव जो चार्ज है वो जमा हो गया है और दूसरी प्लेट पे या दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है। तो ये जो चार्जों की शिफ्टिंग हुई है उसके कारण, प्लस और माइनस के कारण, एक हमें वोल्टेज या EMF जो जनरेटेड है वो प्राप्त होता है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो जनरली इस प्रकार का बिहेवियर रखते हैं जिन्हें हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल कह के नाम से जानते हैं, और क्वार्ट्स और रोशेल सॉल्ट ये बेसिकली नेचुरली जनरेट करते हैं। कुछ बनाए हुए पदार्थ होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर दर्शाते हैं, जैसे PZT एक है, बेरियम टाइटेनेट एक है, ADP, KDP आदि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो पीजोइलेक्ट्रिविटी शो करते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में चलते हैं कि क्रिस्टल माइक्रोफोन की कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि एक डायाफ्रेम है जो कि स्प्रिंग द्वारा इस फ्रेम के साथ कनेक्ट है। स्प्रिंग, जब इस पे कोई भी बल नहीं लगता है, कोई भी साउंड प्रेशर नहीं लगता है, तो ये इस डायाफ्रेम को इसकी नॉर्मल अवस्था में रखती है और जब इस पे बल लगता है, साउंड प्रेशर लगता है डायाफ्रेम पे, तो ये डायाफ्रेम स्प्रिंग के विरुद्ध आगे पीछे कंपन करता है। फ्रेम से ये जो क्रिस्टल है, बेसिकली ये क्रिस्टल इस फ्रेम के अंदर लगा हुआ है। ये क्रिस्टल क्वार्ट्स या रोसेल सॉल्ट का क्रिस्टल हो सकता है। इसको हम बायमॉर्फ के रूप में लगाते हैं। जनरली हम इसको एक पूरा का पूरा क्रिस्टल ले सकते हैं, और अगर पूरा क्रिस्टल नहीं लेते हैं तो हम दो क्रिस्टल लेते हैं और दो क्रिस्टलों को इस प्रकार लगाते हैं, जैसे कि यहाँ भी अगर देखें हम तो दो क्रिस्टल लिए हुए हैं, एक क्रिस्टल ये है और एक क्रिस्टल ये है, और इन दो क्रिस्टलों को इस प्रकार लगाते हैं हम कि ये दोनों क्रिस्टल
अगर एक में कंप्रेशन हो तो दूसरे में विस्तार हो, एक्सपेंशन हो, अगर एक संकुचित हो तो दूसरा फैले। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें आउटपुट जो होता है वो अच्छा प्राप्त होता है। ये जो क्रिस्टल है ये आपके सपोर्ट के द्वारा इस फ्रेम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो सिरा है क्रिस्टल का एक सिरा वो पिस्टन के द्वारा डायफ्रेम से जुड़ा हुआ है। डायफ्रेम जो ये है वो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। एक जो ये क्रिस्टल है उसके दोनों साइड मेटल की फॉइल होती है, मेटल की पन्नी होती है, और ये मेटल की पन्नी से हम जो आउटपुट है वो लेते हैं। यहाँ देखने वाली बात ये है कि चूंकि इस माइक्रोफोन को काम करने के लिए अपने आप ही बस दबाव के साथ ही आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो इसको काम करने के लिए, माइक्रोफोन को काम करने के लिए किसी एडिशनल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ किसी भी, यहाँ डायग्राम में पावर सप्लाई कहीं भी नहीं हुई है। डायफ्रेम के ऊपर हमने एक कवर लगाया हुआ है, ये कवर इसको मिसहैंडल व डस्ट, आर्द्रता, धूल वगैरह से बचाने के लिए लगाया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन जो हम बता चुके हैं कि सर्टेन क्रिस्टल जैसे जो होते हैं क्वार्ट्ज और रोशन साल्ट, वो ईएमएफ जनरेट करते हैं जब उन पे स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई होता है, और इस इफेक्ट को हम क्रिस्टल माइक्रोफोन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल की शेप होती है जो कि क्लैंप वगैरह से लगाई जाती है, जो क्रिस्टल है इसमें माइक्रोफोन में। उसके बाद हमको अगर आउटपुट में अच्छा आउटपुट लेना है तो हम सिंगल स्लाइस की जगह दो स्लाइस लगा सकते हैं एक साथ, और वो स्लाइस ऐसी लगेगी एक में कि एक स्लाइस में संकुचित, एक स्लाइस संकुचित हो तो दूसरी में एक्सपेंशन हो। डायफ्रेम एल्युमिनियम का बना होता है और स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट होता है, और क्रिस्टल के द्वारा डायफ्रेम विद द हेल्प ऑफ पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है और प्रोटेक्टिव कवर यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी सारी कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से। अब इसकी वर्किंग अगर हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ढंग से समझ चुके हैं तो इसकी वर्किंग भी एज इट इज़ ही है कि जब हम बोलते हैं तो जो साउंड प्रेशर होता है वो डायफ्रेम पे पड़ता है, और डायफ्रेम स्प्रिंग के एक्शन के विरुद्ध कंपन करने लगता है। इस तरीके से कंपन करेगा तो जो ये क्रिस्टल डायफ्रेम किससे जुड़ा हुआ, पिस्टन से जुड़ने के कारण ये जो प्रेशर है वो सीधा का सीधा इस क्रिस्टल पे पड़ेगा। जब इस क्रिस्टल पे ये प्रेशर पड़ेगा तो क्रिस्टल में ईएमएफ जनरेट होगा, इस क्रिस्टल पे दबाव पड़ने से ये क्रिस्टल क्या करेगा कि जो इस पे यांत्रिक ऊर्जा पड़ रही है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और वो जो विद्युत ऊर्जा है वो हमारे साउंड प्रेशर के अनुसार अकॉर्डिंग होगी और हम उसे आउटपुट पर प्राप्त कर लेंगे। तो ये इसकी पूरी वर्किंग है। अब हम चलते हैं कि इस कार्बन माइक्रोफोन में क्या क्या क्रिस्टल माइक्रोफोन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम इसके एसएनआर की बात करेंगे कि एसएनआर इसका कितना होता है। तो इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो 40 डीबी होता है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको, जो हमारा पिछले लेक्चर में जो हमने कंडेंसर माइक्रोफोन जो हमारा टॉपिक था उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो उसका भी एसएनआर 40 डीबी था। तो इसके एसएनआर की अच्छी वैल्यू है, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है। डिस्टॉर्शन इसमें 1% से भी कम है। कंडेंसर माइक्रोफोन में भी डिस्टॉर्शन 1% से कम था, इक्विवेलेंट है दोनों में। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे अगर हम आते हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो 80 हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज है, जबकि अगर मैं कंडेंसर माइक्रोफोन की बात करूँ तो वो 40 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक की रेंज में उसका रिस्पांस फ्लैट था, जबकि इसका 80 हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज की रेंज में इसका रिस्पांस फ्लैट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से जो 20 किलो हर्ट्ज
तक की होती है, उसमें अगर हम देखें तो लो फ्रिक्वेंसी जो इसका रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी मतलब 20 हर्ट्ज से अगर हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता तो ये अच्छा होता, लेकिन यहाँ 80 हर्ट्ज से हो रहा है, तो जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इसका इतना अच्छा नहीं है। एक बात करूँ मैं इसकी कि इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो करीबन 1 MΩ है। सेंसिटिविटी इसकी जो है वो 50 mV है 0.1 Pa साउंड प्रेशर पे। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? SNR इसका 40 dB था तो SNR अच्छा है, इसका हाई SNR है। दूसरा स्मॉल साइज, क्योंकि हम देखेंगे कि इस माइक्रोफोन में कुछ भी नहीं है, सिंपल एक क्रिस्टल है और डायफ्रेम और पिस्टन है, कोई एडिशनल हमने बैटरी नहीं लगाई हुई है काम करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा प्रतिरोध नहीं है, बस सीधा सीधा उस क्रिस्टल से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो इसकी स्मॉल साइज है। तीसरी बात, सिर्फ क्रिस्टल लगा हुआ है, ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए सस्ता भी पड़ता है। डिस्टॉर्शन इसका 1% से भी कम है तो वो इसकी एडवांटेजेस होगी, और ये वेरी रग्ड है, काफ़ी मजबूत भी है, ये इसकी सारी विशेषताएं, इसके लाभ हैं। इसकी हानियां बात की बात करें हम तो सबसे पहले जो इसकी हानि है वो है ये कि अगर हम इसके साथ केबल यूज़ कर रहे हैं तो जो वो केबल है वो 1 मीटर से कम होनी चाहिए। वो इसलिए कम होनी चाहिए क्योंकि जो हमारे पास इसके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो उसके इंडक्शन का प्रभाव इस माइक्रोफोन की वर्किंग पे ना पड़े, इसलिए जो इसकी केबल है वो 1 मीटर से शॉर्ट होनी चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा केबल लेते हैं तो वो माइक्रोफोन की जो कार्यप्रणाली है उसको प्रभावित कर सकती है। दूसरी बात है इसकी कि जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जिसमें ये फ्लैट इसका रिस्पॉन्स आता है वो आता है 80 Hz से 8 kHz के बीच में, तो 20 से जो 80 हर्ट्ज़ के जो फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में इसका आउटपुट जो है वो फ्लैट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं है। नाउ अब इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो चूंकि क्रिस्टल माइक्रोफोन है इसका मेन यूज़ जो है हम वो ट्रांसड्यूसर में, ट्रांसड्यूसर वगैरह में लिया जाता है, मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस वगैरह में, और कोई ऑटोमेटिव ट्रांसमीटर और सेंसर वगैरह जो हैं उनमें इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो समराइज़ करूँ अगर मैं इस पूरी माइक्रोफोन की वर्किंग को, तो सिंपल माइक्रोफोन है, क्रिस्टल माइक्रोफोन बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है कि जब किसी पदार्थ को उस पर स्ट्रेस या स्ट्रेन डाला जाता है तो उसके सिरों पर विद्युत भाग बल जनरेट होता है, तो इसमें सिंपल एक क्रिस्टल होता है, जब उस पर साउंड प्रेशर पड़ता है तो उसके सिरों पर EMF जनरेट होता है, और वो EMF जनरेट हमारे साउंड प्रेशर के तुल्य होता है। जितना जनरली इसकी जो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ कि कितना वोल्टेज जनरेट होता है तो V बराबर GPT एक फॉर्मूला होता है, तो जितना V, अब T जो है वो इसकी थिकनेस होती है क्रिस्टल की, तो V जो प्रोपोर्शनल टू होता है वो P के बराबर होता है, यानी जो वोल्टेज जनरेट हो वो P यानी प्रेशर, प्रेशर के बराबर होता है, तो जितना ज़्यादा हम साउंड प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा, तो जो वेव फॉर्म हमारी जनरेट होती है वो इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग होती है, इनपुट जो सिग्नल है वो हमारा साउंड प्रेशर है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे आउटपुट वेव जनरेट होती है। तो ये इसकी पूरी वर्किंग है। थैंक यू।